हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट ऑन दैट साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है और आज का वीडियो कुछ खास है। मींस आज हम लोग फिजिक्स के किसी थियोरिटिकल कॉन्सेप्चुअल और किसी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस साल 12th पास आउट करने वाले हैं, मीन जिन्होंने कोविड फेस के दौरान अपने एग्ज़ाम कैंसिलेशन को फेस किया था, तो अब बारी है उनके रिजल्ट की। सो आई फाउंड एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि सर कैसे हमारा रिजल्ट प्रिपेयर होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, CBSE की पॉलिसी क्या है। हमने पॉलिसी तो स्टडी कर ली है बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैलकुलेशन कैसे करें और हम अपने रिजल्ट का एक रफ आइडिया कैसे लगा लें। तो आज की वीडियो उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान में रखते हुए चलिए मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा और आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग इसको कम्प्लीटली समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स हर जगह शेयर कर दीजिए सो दैट एनी स्टूडेंट जो कि इस साल 12th में लॉकडाउन की वजह से जिसके एग्ज़ाम कैंसिल हुए वो अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सके, रिजल्ट को समझ सके। बाय द एंड ऑफ द जुलाई आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा बट फिर भी उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट किस बेस पे कैलकुलेट किया गया। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी काम पे और अपने वर्क पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है 12th क्लास रिजल्ट कैलकुलेशन, यानी हमारा रिजल्ट किस बेस पे कैलकुलेट होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक भाई साहब है जिनके पास क्वेश्चन मार्क ही है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे और मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को रिलीज करने की कोशिश करूंगा। बट देर आर टू मेन क्वेश्चंस जो मुझे मिले और जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए, दैट मीन्स वॉट वुड बी माई रिजल्ट। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। इस साल एग्ज़ाम नहीं हो पाए बट फिर भी आपके दिमाग में ये है कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, बिकॉज 12th के रिजल्ट के बिना हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में चल रहा है और जो आपके पास आ रहा होगा, दैट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ माई रिजल्ट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, यानी मेरा रिजल्ट किस बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा और कैसे मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करके दिखा सकूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू फेज ऑन द लाइव फिजिक्स VK चैनल। ओके, बिफोर स्टार्टिंग टू द कैलकुलेशन एक बार हम लोग CBSE मार्किंग टैबुलेशन पॉलिसी को एक बार देख लेते कि उन्होंने क्या क्राइटीरिया रखा था और किस बेस पे रखा था। सो प्लीज़ एट द बॉटम मैं सब सिर्फ आपके साथ केवल मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर 10th क्लास, इस पे ध्यान देते हैं। 10th क्लास में उन्होंने मेंशन किया है दैट मार्क्स बेस ऑन द एवरेज थ्योरी कंपोनेंट, इस वर्ड पे ध्यान देंगे, एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग आउट ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट। यानी जो भी आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उन 5 में से जो भी आपके बेस्ट 3 हैं उनका केवल एवरेज थ्योरी लेना है आपको। इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको केवल उनका थ्योरेटिकल मार्क्स लेना है, इंटरनल असेसमेंट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ साइड में, लेट सपोज एनी स्टूडेंट स्कोर्ड 95 इन एनी सब्जेक्ट, उसका 95 आया किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, बट दिस 95 इज आउट ऑफ 100 होता है, यानी इट इंक्लूड योर थ्योरी एज वेल एज योर इंटरनल असेसमेंट, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो इसमें से आपको आपके इंटरनल असेसमेंट को रिमूव कर देना है बेटा, यानी यू हैव टू रिमूव योर इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो आपका IA रिमूव हो जाना चाहिए यहां से। ओके, लेट सपोज इंटरनल असेसमेंट में उसके 20 मार्क्स थे, तो आपके थ्योरी में जो मार्क्स आपके पास अवेलेबल होंगे दैट मार्क्स वुड बी 75। तो आपके थ्योरी में आपके 75 मार्क्स इंक्लूड होके चलेंगे, तो आपको वो लेने हैं और वो भी आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट के। ओके, नाउ टर्न टू द क्लास 11th पे आ जाते हैं।
So class 11 says marks based on the theory component of the final exam. तो जो भी आपने final exams given दिए थे class 11 के, उनके theory marks ही आपको include करने, okay? केवल theory marks, okay? Similarly ऐसे ही class 12th, but class 12th पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, that class 10th marks जो हमारे पास हैं वो एवरेज आने के बाद आपको उसका केवल 30% कंपोनेंट ही लेना है, यानी आपको उसका 30% ही लेना है, जो भी आपका एवरेज आएगा थ्योरीज के बेस्ट थ्री सब्जेक्ट की थ्योरीज का, उसका 30% लेना है। बट ये जो 30% है ये आपके ईच और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ऐड होगा। लाइक अगर आप फिजिक्स का स्कोर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी आपको 10th का 30% उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हो, आप कॉमर्स सेक्शन से किसी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी से किसी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आपको उसका 30% 10th का कॉमनली ऐड करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। यानी जो भी आपका 10th का 30% आ गया वो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, उसे इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बट जो आपका 11th क्लास का है, जो आपके पास 11th क्लास है, 11th क्लास का जो 30% आप ऐड करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम इंडिविजुअल सब्जेक्ट। यानी अगर आप फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी 11th फिजिक्स में कितना आया था उसका 30% आपको निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल थ्योरी का निकालना है, आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड नहीं करने हैं 10th और 11th क्लास के ऊपर, अभी तक मैं बता रहा हूँ, ओके? तो ऐसे ही अगर आप 11th क्लास में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 30% चाहिए, ओके? बट 10th का आपके लिए कॉमन होगा। अब आ जाइए बेटा आपके 12th क्लास के ऊपर। सो 12th क्लास मार्क्स बेस्ड ऑन द यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम जो भी आपके पास हुए, तो जो भी आपके ऑनलाइन यूनिट टेस्ट हुए थे, आपका एक सेप्टेम्बर एग्जाम हुआ था, आपका दिसंबर में एक एग्जाम हुआ, आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे, तो जितने भी एग्जामिनेशन आपके बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन आपके रिस्पेक्टिव स्कूल ने कंडक्ट करवाए थे उनके एवरेज, यानी उनको बेस पे ध्यान में रखते हुए उनका एक एवरेज निकाल के उसका 40% आपका इंक्लूड होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 10th 12th और जो भी आपके सामने मैंने रखी है इन सब का आपके सामने केवल थ्योरी मार्क्स इंक्लूड होने वाला है जो आप ध्यान में रखेंगे। सो यू हैव टू स्टडी ओनली द थ्योरी मार्क्स है। नाउ चेक आउट द बी पॉइंट जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है, दैट द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट ऑफ द क्लास 12th विल बी ऑन द एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाई द स्कूल ऑन द CBSE पोर्टल। यानी आपका जो स्कूल आपके CBSE पोर्टल में जो आपका स्कोर, प्रैक्टिकल स्कोर और इंटरनल असेसमेंट स्कोर जो अपलोड कर चुका है, आपका उसी बेसिस पे ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे। एम आई क्लियर? तो प्रैक्टिकल जो आपके ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आपको तो केवल अपने थ्योरी मार्क्स का कैलकुलेशन करना है, आपको केवल थ्योरी मार्क्स पे काम करना है। क्लियर है? तो चलिए इस पॉलिसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपसे शेयर और आपसे डिस्कस करना शुरू चाहूँगा, जो हमारी CBSE ने हमारे साथ डिस्कशन पार्ट किया है, किसका, कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्या। तो पहले एक बार आप सब ध्यान देंगे आपके 10th के ऊपर, तो पहले थ्योरी मार्क्स में देख लेते हैं कि थ्योरी मार्क्स में क्या गेम चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, थ्योरी मार्क्स में 10th 30%, 11th 30% एंड 12th 40%, ऐसे स्कोर चलेगा। अब आपको अपने सब्जेक्ट को देखना है, जो भी आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल दे लेता हूं, लेट सपोज आई हैव एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट नेम एज XYZ, ओके? मेरा XYZ नाम का कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो ह्यूमैनिटी है, चाहे कॉमर्स है, चाहे वो साइंस से किसी का रिलेटेड हो, ओके? ओके, कोई भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, फिजिकल आपका मेन सब्जेक्ट है, आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, तो ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिसी हर किसी के लिए लागू होने वाली है। तो XYZ सब्जेक्ट है, लेट सपोज दैट XYZ सब्जेक्ट इज कंटेन 80 मार्क्स ऑफ द थ्योरी। वो XYZ सब्जेक्ट 80 मार्क्स का, जैसे कि आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, जो सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के हैं, आपका हिंदी हो गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो अब उस पर ध्यान देंगे, अगर आपका सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है
तो आपको अपने 10th क्लास का जो एवरेज है जो कि 30 मार्क्स है, अब आप जानते हैं कि हमारे जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ 80 हैं, तो हमें उसे आउट ऑफ 80 को आउट ऑफ 24 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 80 का 30% हो गया कितना, 24, तो आपको उसे 24 में से कितने आएंगे वो आपको 10th के कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सिमिलरली मैं एक्स वाई जेड सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अब अगर वही एक्स वाई जेड सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का है तो 11th में भी 80 मार्क्स का होगा। जैसे कि मैं इंग्लिश का एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दी इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा हो गया 80 मार्क्स का, तो 11th क्लास में आउट ऑफ 80 आपने कितना स्कोर किया इंग्लिश के अंदर, तो उसका 30% आउट ऑफ 24, यानी 10th का आउट ऑफ 24, 11th का आउट ऑफ 24, और 12th का 40 मार्क्स लेना है तो 80 का 40 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 32। यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो उसका जो 10th क्लास का स्कोर है वो आउट ऑफ 24 लगेगा, 11th क्लास का स्कोर भी आउट ऑफ 24 लगेगा, और 12th क्लास का स्कोर भी आउट ऑफ 32। आप ऐड करके देख सकते हैं, 24 + 24 = 48 + 32 इट इज़ 80, यानी आपकी थ्योरी कंप्लीट 80 मार्क्स की बन गई। ओके, अब आपका जो प्रैक्टिकल और असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स का, क्योंकि जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होगा उसका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का हो गया, तो यानी आपका टोटल 100 मार्क्स हो चुके हैं। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स स्कोर किया जाएगा। ओके, यानी अगर आप टोटल मार्क्स देखें तो 24 मार्क्स 10th क्लास से, 24 मार्क्स कहाँ से, 11th क्लास से, और 52 मार्क्स 12th क्लास से। ओके, यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। ओके, नाउ द 70 वाला क्राइटेरिया, सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स को ही ले लेता हूँ, ओके, सो लेट सपोज द फिजिक्स इज ऑफ 70 मार्क्स जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अगर हमारा फिजिक्स 70 मार्क्स है तो अब हमें उसे 10th का 21 यानी 70 मार्क्स है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका जो 10th है वो 80 मार्क्स में से आता है, यानी 10th में आपका साइंस एसएस आउट ऑफ 80 है और हमारा जो फिजिक्स है वो 70 है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको केवल वो फॉर्मूला लगाना है और यू विल गेट योर रिजल्ट फॉर दैट। ओके, बट करना क्या होगा, करना ये होगा कि जो 10th आउट ऑफ 80 मार्क्स आया एवरेज, उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ 70 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 10th में आपका मान लीजिए साइंस में 80 में से आपके 65 आए या 75 आए, कुछ भी आए, तो आपके 70 में से कितने आए पहले वो कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका 30% आउट ऑफ 21 होगा। यानी आपका 10th का इस बार आउट ऑफ 21 स्कोर किया जाएगा, 11th भी आउट ऑफ 21 क्योंकि 11th में फिजिक्स भी 70 मार्क्स की होगी, और 12th में आपका फिजिक्स 28 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि 40% ऑफ द 70 मार्क्स इज 28%। ओके, 12th में फिजिक्स यानी वो सब्जेक्ट जो 70 मार्क्स का है उसका प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का हो गया, और बाय दिस मैनर 21 + 21 + 28 दिस गिव्स यू 70 + 30, आपका टोटल 100 स्कोर हो चुका है। एम आई क्लियर टू दैट? यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है तो उसमें 21 मार्क्स 10th के, 21 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आपके 11th के, और 58 मैक्सिमम मार्क्स आपके 12th के ऐड होने वाले। ओके, सिमिलरली यही क्राइटेरिया 60 पे चलेगा, यही क्राइटेरिया 50 पे चलेगा, एंड एट द एंड द सेम क्राइटेरिया विल वर्क फॉर द 30 ऑल्सो, लाइक द म्यूजिक सब्जेक्ट जिसको हम जानते हैं। तो अगर हमारा कोई म्यूजिक सब्जेक्ट है, म्यूजिक सब्जेक्ट विच इज ऑफ 30 मार्क्स, अब अगर हमारा म्यूजिक 30 मार्क्स का है तो अब हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ 30, यानी म्यूजिक के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 9, ओके, 11th में भी मैक्सिमम मार्क्स 9 उसका 30 मार्क्स, और 12th में वो 12, 9 + 9 + 12 टोटल आपके 30, और म्यूजिक का आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट हो गया
70 मार्क्स का, यानी आपके म्यूजिक में 9 मार्क्स आपके 10th के होंगे, 9 मार्क्स आपके 11th के होंगे और 82 मार्क्स आपके 12th के होंगे। ओके, सो ऑन दिस स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस भी नंबर का है तो वो मैक्सिमम कितने मार्क्स कैरी करेगा 10th के, 11th के और 12th के। चलिए अब इसको मैं एक टेबुलेशन फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। वो ये तो आपके फिजिक्स जो अभी आपने प्रीवियस 2 स्लाइड्स में देखा, ये आपके CBSE पोर्टल की पॉलिसी थी। ओके, अब मैंने यानी बाय पर्सनल से मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाया है आपके सामने, जिसको लेके आप अपना कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और जिसको लेके मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा। ओके, अब हम करते हैं अपने फॉर्मूलाज और स्टेप बाय स्टेप कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, ये जो फॉर्मूला है, ये जो टैबुलेशन है, ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, यानी आपको अपने आप को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सबका एक साथ करेंगे। जैसे अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, आपको फिजिक्स के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, सिमिलरली बायोलॉजी के लिए अलग, सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों को हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, ह्यूमैनिटी का अगर कोई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। ये आपका वर्क होगा थोड़ा सा। ओके, तो चलिए अब काम करते हैं कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे काम करेंगे। तो लेट सपोज मैं 10th क्लास पे आ जाता हूँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 10th क्लास में हमें 30% ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 मेन सब्जेक्ट लेने हैं। ओके, बट मैंने नीचे नोट लिख दिया है वापस से, ओनली थ्योरी मार्क्स लेने हैं, कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं लेने। ओके, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है, जो भी आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट जो बेस्ट 3 हैं, उनके थ्योरी मार्क्स ले लीजिए और उनका एवरेज निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? एवरेज निकाल लीजिए, जो भी आपके बेस्ट 3 थ्योरी हैं उनका एवरेज निकाल के रख लीजिए कि आपके पास आपका उनका एवरेज क्या आने वाला है। ठीक है, तो लेट सपोज हमारा एवरेज आ गया ए, किसका आया? ओनली थ्योरी सब्जेक्ट ऑफ बेस्ट 3। अब आप ये काम कीजिए, अब अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर 80 मार्क्स का है 12th क्लास में, कंडीशन को नीचे देखेंगे, अगर आपका जिस सब्जेक्ट को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर वो 80 मार्क्स का है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, अगर कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है, तो ये फॉर्मूला उस सब्जेक्ट पे लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है 12th क्लास में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स एंड ऑल दैट, अगर वो सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है तो आपके पास ये फॉर्मूला लगने वाला है। और अगर आपका सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है 12th क्लास में, जैसे कि हमारा म्यूजिक, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो जिस भी मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है आप उसी फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो आपने 10th क्लास का एवरेज निकाल लिया। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो उसे आउट ऑफ 24 बनाने के लिए आप फॉर्मूला ये अप्लाई कीजिए, जो भी आपका एवरेज आया है उसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो स्टेप क्या है वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किया, अब मैं आपके साथ डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। दैट मीन्स इज दैट कि अगर आप लोग, आपका सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो आप अपने एवरेज को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एक स्कोर मिलेगा जिसे मैंने R1 का नाम दिया है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज दी R1। ये हमें आउट ऑफ 24 मिल गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से अपने 10th क्लास का 30% आउट ऑफ 24 निकाल लिया। आउट ऑफ 24 उसी सब्जेक्ट के लिए निकालेंगे जो 80 मार्क्स का होगा। सिमिलरली अगर हमारा कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है तो अपने एवरेज नंबर, जो आपका एवरेज आया है, उसे 0.0875 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि आपको एक अलग वैल्यू देगा। मतलब उसे मैं R1 का ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे 10th का, बट ये जो R1 होगा ये आउट ऑफ 21 होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है। ठीक है, यानी हमें उस 10th वाले थ्योरिटिकल स्कोर को पहले 70 मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसका 30% निकालना पड़ेगा।
तो जो जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स के हैं उसका टेंथ का क्लास का स्कोर लेने के लिए आप उसे 0.875 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब आ जाइए लास्ट में। अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पास 30 मार्क्स का है, जो कि आपका इंग्लिश हो गया, उसे हमें आउट ऑफ 9 बनाना है। तो यानी जो हमारा टेंथ स्कोर हुआ था आउट ऑफ 80, पहले उसे आउट ऑफ 30 बनाएंगे और फिर उसका 30% निकालेंगे। तो उसके लिए आप अपने एवरेज को 0.0375 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब जो आपको R1 रिजल्ट मिलेगा वो आपका आउट ऑफ 9 होगा। तो इसका मतलब टेंथ में कैलकुलेशन आपको 3 तरीके से करनी पड़ेगी। ये आपका थोड़ा एफर्ट है क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट जो टेंथ का सब्जेक्ट था वो आउट ऑफ 80 था, बट इन द ट्वेल्थ सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का थ्योरी अलग अलग है। देर आर सम सब्जेक्ट विच आर आउट ऑफ 80, कुछ हैं जो आउट ऑफ 70 और कुछ हैं जो आउट ऑफ 30 है। तो टेंथ में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको तीनों के लिए, तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप तीनों के लिए कैलकुलेशन करके पहले ही रख लीजिए कि अगर आउट ऑफ 80 है तो मेरा एवरेज टेंथ का इतना है, आउट ऑफ 70 है तो इतना है और आउट ऑफ अगर 30 है तो इतना है ना। अब 11th का दे देते हैं। 11th क्लास में भी हमें 30% लेना है तो 11th क्लास पर्टिकुलर लेना है। देखो बेटा, 10th क्लास का जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा, यानी ये स्कोर हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल होगा। अगर 80 मार्क्स है तो जो भी आपका R1 80 का आया है वही वहां पे जुड़ेगा, अगर 70 है तो 70, 30 है तो 30। बट जो 10th और 12th है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो लेट सपोज 10th में आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर वो 80 का है या 70 का है या 30 का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके S स्कोर आए, कुछ S नाम का स्कोर आ गया आपका, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 30, डजंट मैटर, उसका 30% चाहिए। तो जो भी आपका स्कोर आया है उसे 0.3 से मल्टीप्लाई करके आप अपने 11th का क्या ले लीजिए, आप अपने 11th का S1 स्कोर ले लीजिए, यानी जो भी आपका स्कोर 30% है। अगर वो आपका 80 में से है तो दिस S1 वुड बी आउट ऑफ 24, अगर वो 70 मार्क्स का है तो आउट ऑफ 21 हो जाएगा और अगर 30 मार्क्स है तो आउट ऑफ 9 हो जाएगा। आपको अपना सेम प्लान रखना है 12th पे। अब यहाँ पे है कि 10th का स्कोर आप जानते हैं क्योंकि आपके पास उसका रिपोर्ट कार्ड है, 11th का स्कोर भी आप जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने उस अपने 11th के स्कोर कार्ड को आपने देखा हुआ है, 12th का स्कोर कार्ड अभी तक आपने नहीं देखा। तो ये आप अपना एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं क्योंकि एवरीवन नोज कि मैंने कितना परफॉर्म किया था, आपका यूटी में कितने आए थे, आपके दिसंबर में कितने आए थे, आपके प्री बोर्ड में कितने आए थे। तो आप उसका एक एवरेज लेके चल दीजिए कि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारा एवरेज क्या आया है। तो 11th का एवरेज आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा और 12th का एवरेज आपको 40% है तो 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12th में आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक ये फॉर्मुलेशन की टेबल आ गई है, तो प्लीज़ इस टेबल को आप एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ताकि आपको हेल्प करेगा। अब इसके बाद जो हमारे 10th के स्कोर आए R1, ओके, जो मेरा 11th का स्कोर आया S1 और जो मेरा 12th का स्कोर आया T1, तो 12th का R1 जो आया, ओके, अब ये जो थ्योरी मार्क्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि आपका आउट ऑफ 80 सब्जेक्ट है, आउट ऑफ 70 है या आउट ऑफ 30। आउट ऑफ 80 है तो 80 वाला सारा काम करना है, आउट ऑफ 70 है तो 70 का सारा काम करना है, और अगर आउट ऑफ 30 है तो 10th, 11th, 12th तीनों ही आउट ऑफ 30 काम करना है। एंड बाय दिस मैनर आप अपने पर्टिकुलर थ्योरी मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो थ्योरी मार्क्स आउट ऑफ 80 है, 70 है, 30 है, वो आपका आ जाएगा। तो आपका फाइनल मार्क्स जो भी आपने थ्योरी में स्कोर किया प्लस में जो भी आपके 12th के प्रैक्टिकल, ओके, अब 12th का प्रैक्टिकल तो हम लोग नहीं जानते बट उसमें भी आप अपना एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं कि आपने अपना प्रैक्टिकल असेसमेंट दिया, आपने अपनी लैब मैनुअल, आपका प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया, ओके, उसके बाद आपने वाइवास दिए, तो एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको फ्रेम क्लियर हो गया है।
तो बाय द एंड अब मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ओके। तो एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं रैंडमली और उस कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो लेट्स सपोज हमारा एक स्टूडेंट है ए बी सी नाम का, चलो भाई ये मेरा स्टूडेंट है ए बी सी, ओके। इसके बेस्ट 3 10th पे देखते हैं, इसका 10th का स्कोर देखते हैं। सो इन द 10th ही स्कोर बेस्ट 96, 95 एंड 94। फॉर एग्जाम्पल ये उसके बेस्ट 3 subject थे, ओके। बट ये तो आउट ऑफ 100 थे, तो इसे आउट ऑफ 80 यानी जो भी इंटरनल असेसमेंट है उसे रिमूव कर देते हैं, ओके। मैं मान के चल रहा हूँ इस स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट 20 20 20 मिले होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 20 इंटरनल असेसमेंट करते हैं तो इस स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स कितने हो गए, 76 आउट ऑफ 80 किसी भी गिवन सब्जेक्ट में, देन 75 आउट ऑफ 80 एंड देन 74 आउट ऑफ 80। तो आपका पहला स्टेप ये है कि आप अपने 10th के स्कोर को इकट्ठा कर लीजिए, डन है। तो आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से चल देते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या था, कि हम अपना एवरेज निकालेंगे। क्या निकालें बेटा, एवरेज। तो हमारा एवरेज जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ए का नाम दिया था, एवरेज यही नाम दिया था हम लोगों ने। तो एवरेज निकाल लीजिए, 76 प्लस आपका 75 प्लस आपका 74 जो भी आपका एवरेज आया है, या फिर आप दोनों का सम भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज है, जो हमारे पास एवरेज स्कोर बनेगा यानी जो हमारा टोटल बनेगा, पहले आप टोटल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बनने वाला है दैट टोटल वुड बी 225, ओके। जो कि हमारे 80 प्लस 80 प्लस 80 यानी आउट ऑफ 240 हो गए। तो आउट ऑफ 240 हम लोगों ने स्कोर किया 225 थ्योरी में, जिस भी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट का था, ठीक है। तो आप इस 225 को लेके चलिए, ये आपका शॉर्टकट है। इसे ही मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं डिवाइड बाय 3 करके एवरेज नहीं निकालूंगा। जो भी तीनों का सम आया आप उनका सम निकाल लीजिए, कितना आया 225, डन है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आपका 12th का सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपका 12th का सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो इस 225 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 0.1 से, समझ रहे हो बात को। अगर आपका सब्जेक्ट कितने का है, 80 मार्क्स का है, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो आपका हो जाएगा 22.5 यानी ये आपका आउट ऑफ 24 हो गया। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है तो आपके 10th के उसमें 22.5 मार्क्स जुड़ेंगे आउट ऑफ 24 अगर आपका स्कोरिंग ये है, समझ गए। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगर हमारा को सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, अगर हमारा सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है, इस पे देखिए, तो इस 225 को जो कि आपका टोटल आया है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.0875 से, समझ रहे हो बात को, ओके। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्कोर आता है 19.68, सो योर स्कोर विल बी बेटा 19.687, आप 3 digit तक रख लीजिए, ये आएगा आउट ऑफ 21, क्या आएगा ये आउट ऑफ 21। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है 12th क्लास में, मैं 12th क्लास के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपके 10th के मार्क्स जुड़ेंगे 19.687 आउट ऑफ 21। लास्ट, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है, मैं तो इन्हीं मेन पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली यही है, तो हमारे पास आप क्या करेंगे, इस 225 को, ये जो हमारा 225 टोटल आया है इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0375 से, समझ रहे हो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई विद 0.0375, तो आपका स्कोर आएगा 8.437 विच इज आउट ऑफ 9। एम आई क्लियर।
यानी अगर आपका कोई सब्जेक्ट 30 मार्क्स का जैसे कि म्यूजिक, तो उसमें 10th के ये स्कोर चुनने वाले। बाय दिस मैनर आप अपने 10th का रिजल्ट कैलकुलेट करके रख लीजिए। अब आ जाइए आप अपने 11th के रिजल्ट पे। तो 11th के रिजल्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th के रिजल्ट के लिए अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ या आपसे डिस्कस करता हूँ कि भाई चलो हमारा 11th का जो रिजल्ट है, तो मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ भाई फिजिक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फिजिक्स है, इन द फिजिक्स एनी स्टूडेंट स्कोर 67 out of 70। स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया? 67 out of 70। तो अब हमें इसका 30% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 30%। तो मैंने आपको फॉर्मूले में सॉल्व करके दिखाया था कि अगर मुझे उसका 30% चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, अपने थ्योरी के स्कोर को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 0.3 से, और ये आएगा आपका 20.1। तो ये आपका आउट ऑफ 21 आ गया। कितना आ गया? आउट ऑफ 21। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश ले रहे होते, अगर आपके पास एक्स वाई जेड मान के चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में लेट सपोज यू स्कोर 74 out of 80। कितना स्कोर किया आपने? 74 out of 80 स्कोर किया। अगर आपने 74 out of 80 स्कोर किया है, तो इसका मतलब अगर आप इसका 30% निकालते हैं, तो फिर से वही ट्रिक, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट 22.2। बट ये आउट ऑफ 80 है, तो इसका मतलब इसका 30% ये आउट ऑफ 24 आपने स्कोर किया। ऐसे ही अगर आप म्यूजिक को देखते हैं, लेट सपोज इन द म्यूजिक यू आर स्कोरिंग 27 out of 30 इन द क्लास 11th, डन है। तो इस 27 out of 30 का 30% चाहिए मुझे। So I will multiply this 27 with the 0.3, तो I will get 8.1 out of 9, यानी मुझे इतना मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास एक शॉर्टकट बन गया कि सब्जेक्ट चाहे कितने भी मार्क्स का हो, मेरा 11th का कैलकुलेशन ऐसे होगा, डन है। अब आ जाइए अपने 12th के कैलकुलेशन पे। अब ऐसे ही 12th के कैलकुलेशन को देखते हैं बेटा। इन द 12th कैलकुलेशन फिर से वही देख लेते हैं। लेट सपोज योर सब्जेक्ट इज फिजिक्स, इन द फिजिक्स आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड लेट सपोज यू स्कोर 68 out of 70, डन है। अब हमें चाहिए इसका कितना परसेंट? वी नीड इट्स 40%। हमें इसका 40% चाहिए बेटा। तो अगर हमें इसका 40% चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई 68 विद 0.4, विच गिव्स मी 27.2 out of 28। ऑब्वियस ही बात है, 70 का जो 40% है वो आउट ऑफ 28 होगा। तो इस तरीके से मुझे फिजिक्स का 12th का आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। सिमिलरली मैं इंग्लिश के बारे में भी बात करना चाहूंगा। लेट सपोज इन द इंग्लिश यू स्कोर 76 out of 80, ओके। तो उसका 40% करें, तो 76 out of, अगर आप 40 लेते हैं, तो आपके पास जो बना कितना बना? 76 आपका 0.4, जो कि आपका आउट ऑफ 80 है, तो आपका बना 30.4, जो कि आपका आउट ऑफ 32 हुआ, ठीक है, क्योंकि 80 का 40% 32 हो गया। ऐसे ही अगर हम अपने म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपने लेट सपोज म्यूजिक परफॉर्म किया, ये आपका म्यूजिक हो गया बेटा। सो इन द म्यूजिक आपने स्कोर किए 28 out of 30। एम आई क्लियर टू दैट? सो 28 इट इज बीन मल्टीप्लाई विद 0.4, ये आपका मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको मिले 11.2 out of 12। यानी म्यूजिक क्या 12 मार्क्स रहेंगे आपके यहां। ओके, तो आपने सारे स्कोर देख लिए। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट पे। तो ये देखते हैं कि हमारे फिजिक्स में हमारे फाइनल क्या स्कोर रहा, ठीक है। तो भाई फिजिक्स का फाइनल स्कोर क्या रहा? तो फिजिक्स कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं स्लाइड को बैक लेके जा रहा हूं। तो अगर फिजिक्स 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स में का एवरेज करते हुए मुझे 10th के मिल रहे हैं 19.67687। ये मेरा स्कोर आया 10th का, क्योंकि मेरा 70 का था।
तो मैं वापस से इधर जाता हूँ, तो मेरे 10th में आए कितने, 19.687, ये मेरे आउट ऑफ 21 स्कोर थे, ठीक है, 10th के। ओके, देन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 11th, 11th पे चलते हैं। तो 11th में मेरा फिजिक्स का आप देख पा रहे हैं, मैंने 61 स्कोर किया था, जिसका 31 आएगा 20.1, कितना आया, 20.1 आया मेरा स्कोर। सो इट इज 20.1 आउट ऑफ 21। ओके, नाउ फाइनल 12th का थ्योरी जो अभी अभी हमने लिया, जिसमें 68 आउट ऑफ 70 थे, जिसका 40% आया 27.2, तो इट इज 27.2 विच इज आउट ऑफ 28। ओके, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आई गॉट 27.2 एवरीथिंग, अगर हम ऐड करें तो आई गॉट 66.987 आउट ऑफ 70। ओके, ये मैं कोई पी बाई क्यू को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये आउट ऑफ है, यानी आप ऊपर वाले नंबर ऐड कर लीजिए, ओके, विच इज आउट ऑफ नीचे वाले नंबर को ऐड कर लीजिए, 21, 21 और 28। बाय दिस मैनर आई गॉट द रिजल्ट ऑफ माई फिजिक्स। सिमिलरली आप अपने इंग्लिश का ऐड कर सकते हैं, बस इसमें आपको ये चेंज करना है, क्योंकि इंग्लिश आउट ऑफ 80 होता है, तो आपको अपने 10th क्लास के, मैं एक बार वापस से 10th क्लास के रिजल्ट पे जा रहा हूँ, आपको अपने 10th क्लास का आउट ऑफ 24 में से जो आपको मिला 22.5, ये ऐड करना है। ओके, हर कॉमन सब्जेक्ट में, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो आपके पास स्कोर हुआ, हर कॉमन सब्जेक्ट में अगर वो 80 मार्क्स का है, तो आपका 10th तो हमेशा कॉमन ऐड होगा, 11th और 12th आपके इंडिविजुअली ऐड होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज। आई होप मैं आपके रिजल्ट और आपके रिजल्ट के कैलकुलेशन पॉलिसी को क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना एक रफ रिजल्ट बना सकते हैं और अपने आप को एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं, और जब भी आपको फ्यूचर में आपका रिजल्ट मिले तो आप उसके साथ अपनी मैचिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद द मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर फिजिक्स कॉन्सेप्ट। Till then, stay safe.